वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। गाइस जैसे कि आपको पता है विप्रो के रिजल्ट आ गए हैं। तो गाइस विप्रो के रिजल्ट फिगर्स इन मिलियन में देखते हैं। टोटल इनकम देखिए 2,30,494 मिलियन की आई है, जो कि पिछले साल 2,01,736 मिलियन की थी। तो गाइस बात करें ईयरली तो इतने अच्छे नंबर बढ़ के नहीं आए हैं, 40% तक की बढ़ देखने को मिली है। वहीं जून क्वार्टर की बात करें 2,20,010 मिलियन तक का जो उसका इनकम रहा है। तो गाइस क्वार्टरली और ईयरली बात करें तो इनकम ज़्यादा अच्छी बढ़कर नहीं है, जितनी उम्मीद थी उतने अच्छे रेवेन्यू हमें देखने को नहीं मिले हैं। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस गाइस हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 1,96,221 मिलियन इस साल का एक्सपेंस हुआ है, जो कि पिछले साल 1,64,161 मिलियन का एक्सपेंस हुआ था। गाइस बात करें क्वार्टरली तो 1,86,475 मिलियन का एक्सपेंस हुआ था क्वार्टरली। तो गाइस का जो एक्सपेंस है वो क्वार्टरली ईयरली बहुत बढ़ते हुए नजर आए हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो गाइस 34,201 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल 37,565 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, जो कि हमें ईयरली देखने को कम मतलब कम इसमें तो आप लोग कह सकते हो घटके नंबर आए हैं, मतलब कमी हम इसमें नजर आई है। पिछले साल जितने अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उतना इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिला, जिस तरीके से न्यूज आई थी। गाइज वही बात करें हम इस साल की तो गाइज देखिए क्वार्टरली बात करें तो 33,520 मिलियन का इसमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर आया है 1,000 से। वहीं बात करें अगर हम ईयरली कंपेयर करें तो हमें उसमें हमें आप ये कह सकते हो गिरावट देखने को मिल रही है। गाइज बात करें नेट प्रॉफिट की तो गाइज देखिए नेट प्रॉफिट 26,491 मिलियन का निकल कर आया है, जो कि पिछले साल ही 29,306 मिलियन का था। तो आप कह सकते हैं कि ईयरली कंपेयर करें तो हमें नेट प्रॉफिट भी गिरा हुआ मतलब गिरावट नजर आई है नेट प्रॉफिट में भी। वहीं हम बात करें क्वार्टरली तो क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली गाइज 25,589 मिलियन। तो गाइज क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन अगर ईयरली से कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। गाइज जितनी उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं आए हैं। अर्निंग पर शेयर में भी हमें कंपेयर करें क्वार्टरली तो बढ़ता हुआ नजर आया 4.86 4.85 का, जो कि क्वार्टरली था 4.69 4.67, जो कि पिछले साल था 5.36 5.35। तो गाइज जिस तरीके से उम्मीद थी, जिस तरीके से न्यूज आई थी कि नंबर काफी ज्यादा अच्छे निकल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली नंबर नहीं आया। लेकिन हाँ फिर भी आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस स्टॉक को ले सकते हैं, बाकी ये डिपेंड आप लोगों पे करता है। खुद से स्टडी करें, चेक करें, देन इन्वेस्ट करें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ना भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।